तो आज हम बनाने वाले हैं एक ड्रोन जो कि F450 साइज़ का ड्रोन होने वाला है। ड्रोन तो मैंने बहुत सारा बनाया है लेकिन F450 साइज़ का ड्रोन मैंने पहली बार बना रहा हूँ। तो आइए इस ड्रोन को बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रोन को बनाने के लिए आपको ले लेना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये आपको फ्रेम के किट के अंदर ही मिलेगा। और इस बोर्ड में देख सकते हो प्लस और माइनस लिखा है, और इस प्लस माइनस के पॉइंट में मैं सोल्डरिंग वायर को पिघला दे रहा हूँ। इस जगह पे हमें ESC को कनेक्ट करना है जो कि हमारे मोटर को रन करने वाला है। तो जितने भी प्लस और माइनस के पॉइंट से मैं सभी में सोल्डरिंग वायर को पिघला लेता हूँ पहले। इसके बाद हमें ले लेना है 4 ESC। मैंने ये सिमोंग का ESC ले लिया है। मैंने इसमें सस्ता वाला ESC का यूज़ किया है, आप चाहे तो महंगा ESC भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बेसिक कंपोनेंट का यूज़ किया है सिर्फ फ्लाइट कंट्रोलर को छोड़ के, क्योंकि मैं इस ड्रोन को बाद में अपग्रेड भी करने वाला हूँ। और प्लस और माइनस के पॉइंट में हमें इसके वायर कनेक्ट करने हैं। रेड वाला पॉजिटिव में जाएगा, ब्लैक वाला नेगेटिव में जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर अगर गलती हो गया तो आपका ESC जल जाएगा। प्लस और माइनस पॉइंट को ध्यान में रख के मैं सारी ESC को सोल्डरिंग कर देता हूँ। मैंने चारों ESC को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा दिया है। अब इसमें हमें लगाना है पावर मॉड्यूल जो कि पिक्सॉक को पावर देने वाला है। आपको पावर मॉड्यूल में मेल फीमेल दो कनेक्टर मिलेंगे। आपको मेल वाले कनेक्टर को कट कर देना है। कट करने के बाद इसके दोनों वायर को छील लेना है, और छील लेने के बाद सोल्डरिंग वायर लगा के इसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बोर्ड इनपुट पॉइंट में लगा देना है। ध्यान रहे इस जगह पर आपको प्लस और माइनस पॉइंट का खास कर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने एक भी वायर को गलत लगा दिया तो आपका ESC तुरंत जल जाएगा और आपका बैटरी से भी धुआं निकल सकता है। तो इसीलिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगाने से पहले प्लस और माइनस को जरूर चेक कर ले। तो देख सकते हो मैंने इसमें लगा दिया है पावर मॉड्यूल। तो जैसे देख सकते हो प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में लगा दिया है। इसी तरह आपको भी लगाना है। इसे लगाने के बाद आपको ड्रोन के 4 आर्म्स ले लेना है, और इन आर्म में मोटर्स को भी लगा देना है। तो मैं मोटर्स को भी ले रहा हूँ इसमें। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ 1400 KV 2212 मोटर। हालांकि मुझे यहाँ पे 1000 KV का BLDC मोटर यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से ये परचेज़ कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, आज इसमें 8 इंच का प्रोपेलर लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं इस ड्रोन में। और इस ड्रोन को बनाते वक्त आपको 3 एलन की जरूरत पड़ने वाला है, एक 2 mm, 1.5 mm और 1 mm। इसके बाद हमें मोटर्स को आर्म में लगा देना है एलन की और नट के माध्यम से। इसके बाद हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चारों आर्म्स को लगा देना है स्क्रू के माध्यम से। इसी प्रकार से सारे आर्म्स को लगा देना है। इसके बाद जितने भी ESC है ड्रोन के फ्रेम में, सारी ESC को जिप टाइट से टाइट कर लेना है। इसके बाद ESC का 3 वायर को मोटर्स के 3 वायर्स के साथ कनेक्ट कर लेना है। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो इनमें से किसी भी 2 वायर्स को आपस में चेंज कर लेना। इसी प्रकार से जितने भी मोटर्स हैं सभी मोटर्स में वायर्स को लगा लेना है। सभी मोटर्स में वायर्स को लगाने के बाद ऊपर का प्लेट को भी हमें लगा लेना है। इसके ऊपर ही हमारा फ्लाइट कंट्रोलर और GPS का माउंट रहने वाला है। इसके बाद हमें ले लेना है शॉक अब्जॉर्बर। इसे हमें असेंबल करना है। असेंबल करने के बाद इसके ऊपर डुअल टेप से लगा देना है। इसके साथ हमें जो M3 का टेप मिला था इसे हमें इसके ऊपर लगा देना है। टेप को लगाने के बाद हमें पिक्सॉक को इसके ऊपर माउंट करना है। अब खास करके ध्यान रखें कि आपका फ्रेम का फ्रंट डायरेक्शन जो भी हो उसका फ्रंट डायरेक्शन को फ्लाइट कंट्रोलर के फ्रंट डायरेक्शन के साथ मैच करके लगाना चाहिए।
इसी प्रकार से रिसीवर को भी डुअल टेप की मदद से चिपका लेना है फ्रेम में। रिसीवर को माउंट करने से पहले मैं इसमें कनेक्शन कर लेता हूँ। हमें इसमें ये जो पिन मिला है फ्लैट कंट्रोल के साथ, इसके हमें रिसीवर में लगा देना है। रिसीवर के एकदम लास्ट वाले पिन में लगाना है PPM आउटपुट में, और वाइट वाले वायर को ऊपर की तरफ करके लगाना है। इसके बाद रिसीवर का जो वायर है इसका हमें फ्लैट कंट्रोलर के RC इन पोर्ट में लगा देना है। वाइट वाला वायर इस बार उल्टा रहेगा, वाइट वाला वायर इस बार फ्लैट कंट्रोलर के नीचे साइड में रहेगा। वाइट वाला वायर हमारा सिग्नल रहेगा और ब्लैक नेगेटिव, रेड वाला पॉजिटिव, तो हमें सिग्नल को नीचे की तरफ करना है। इसके बाद फ्लैट कंट्रोलर के साथ हमें ESC के वायर को कनेक्ट करना है। आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये हमारा मेन का आउटपुट है। हमें एक में एक नंबर ESC का वायर कनेक्ट करना है, 2 में 2, 3 का 3, 4 का 4 का। यह है इसका मोटर डायग्राम। आपको यहाँ पे एक नंबर मोटर दिख रहा होगा, इस एक नंबर मोटर को आपको फ्लैट कंट्रोलर का एक नंबर पोर्ट में लगाना है, 2 नंबर मोटर को 2 नंबर पोर्ट में लगाना है, 3 नंबर मोटर को 3 नंबर पोर्ट में लगाना है, इसी प्रकार से 4 नंबर मोटर को 4 नंबर पोर्ट में लगाना है। और इसी डायग्राम में आपको मोटर का डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि कौन सा मोटर किस तरफ घूमेगा। इसी डायग्राम को फॉलो करके हमें मोटर को फ्लैट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से पहले मैं इसका पॉजिटिव वायर को कट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें फ्लैट कंट्रोलर को एक्स्ट्रा पावर नहीं देना है। फ्लैट कंट्रोलर को ऑलरेडी पावर मॉड्यूल से पावर मिल रहा है, इसलिए मैं इसका पॉजिटिव वायर को कट कर दे रहा हूँ। इसी प्रकार से 4 ESC का वायर को हमें कट कर लेना है। पॉजिटिव वायर को कट करने के बाद हमें मोटर्स को डायग्राम के हिसाब से लगा लेना है। इस जगह पे अगर मोटर को गलत लगा दिया तो आपका ड्रोन कभी नहीं उड़ पाएगा, वो फ्लिप हो जाएगा या घूम जाएगा या क्रैश हो जाएगा। इस जगह पे आपको मोटर्स को डायग्राम के हिसाब से लगाना है। यहाँ पे आपको सिग्नल वायर्स का भी ध्यान रखना है। मेरे ESC का येलो वाला वायर सिग्नल है, और येलो वाले वायर को मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ। हमें पिकसॉक में जितने भी सिग्नल्स के वायर लगाना है सभी नीचे की तरफ लगाना है, और ऊपर ग्राउंड लगाना है। इसके बाद हमें पिकसॉक का पावर देना है। उसके लिए पावर मॉड्यूल से जो एक केबल निकल रहा है उस केबल को हमें पिकसॉक के पावर पोर्ट में लगा देना है। आपको पावर लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद हमें GPS को माउंट करने के लिए हमें GPS का स्टैंड लगाना है। GPS का स्टैंड मैं इसमें जिप टाइट की मदद से बांध लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं जहाँ पे GPS लगा रहा हूँ आप भी वहीं पे GPS लगाए, आप कहीं भी GPS लगा सकते हैं, बस आपको थोड़ा फ्लैट कंट्रोलर के ऊपर GPS लगाना है। इसके बाद हमें GPS का कनेक्शन करना है। आपको दिख रहा होगा आपको GPS का कनेक्शन ऐसा करना है। ये जो GPS है नॉर्मल 7M वाला GPS है, इसके साथ जो आउटर कवर आया था वो मेरे से जल गया था, मतलब सोल्डरिंग आयरन के पास रखा हुआ था तो वो टच हो गया और वो जल गया, उसके साथ वायर भी जल गया, इसलिए मैं इसे दोबारा वायर को लगाना होगा। पिकसॉक के साथ हमें जो केबल मिला है उसको यूज़ करके मैं इसमें लगा दूंगा। लेकिन आपको उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब खरीदोगे तो उसमें पहले से ही कनेक्टर लगा हुआ होगा, आप उसमें प्लग कर देना सिर्फ। तो आप देख सकते हो मैं इसमें GPS लगा रहा हूँ। तो GPS का एक फ्रंट डायरेक्शन होता है, एक एरो होता है, उस एरो को आपको फ्लैट कंट्रोल का जो एरो है उसके साथ मैच करना है। अगर आपने मैच नहीं किया तो RTL वगैरह काम नहीं करेगा, ड्रोन उल्टा पल्टा कहीं भी चला जाएगा, या फिर हो सके आपका कंपास कैलिब्रेशन भी ना हो। मेरे में जो ये फ्रंट डायरेक्शन है मेरा, ये वाला फ्रंट डायरेक्शन है। आप जब खरीदोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा फ्रंट डायरेक्शन, एक एरो मिल जाएगा, उस एरो को फ्लैट कंट्रोल के एरो के साथ मैच करके लगाना है आपको। GPS को माउंट करने के बाद हमें GPS का पोर्ट लगाना है। GPS वाला कनेक्टर हमें GPS में लगाना है, और ये दो वायर है ये I2C का पोर्ट में लगेगा। तो अब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हमें बजर और सेफ्टी स्विच लगाना है। ये आसान ही लगाना, यहाँ पे लिखा हुआ होगा बजर और सेफ्टी स्विच, यहाँ पे आपको इनका पोर्ट को लगा देना है। मैंने इसमें I2C का कनेक्शन आपको नहीं बताया है, क्योंकि आप जब GPS परचेस करोगे तो उसके साथ ऑलरेडी कनेक्टर मिलेगा आपको। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस सेट पे आप इसमें आपको 4 पिन मिल जाएगा, 4 में से सिर्फ 2 पिन ही काम में आएगा, बीच का 2 पिन साइड में ये येलो वाला वायर कनेक्ट होगा, उसके बाद सफ़ेद वाला वायर कनेक्ट होगा, और साइड का 2 पिन छोड़ देना। तो हमारा 90% काम हो गया है, अब हमें सिर्फ 10% काम बाकी है। वो काम ये है, सिर्फ हमें इसमें प्रोग्रामिंग करना है। प्रोग्रामिंग करने के बाद प्रोपेलर लगाने के बाद इसके बाद हमें ये फ्लाई करना है। तो चलिए ये सब प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको मिशन प्लैनेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक बार पिकसॉक को इससे कनेक्ट करके देखना है। तो देख सकते हो मेरा कनेक्ट हो गया है। अब हमें सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद इसे एक बार डिस्कनेक्ट करना है, कंप्यूटर से प्लग नहीं निकलना है, सिर्फ यहाँ पर डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद इस क्वाडकॉप्टर को सिलेक्ट करना है। इस टाइम पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। आपको यहाँ पे यस दबाना है। यस दबाने के बाद यहाँ पे आपको पिकसॉक ऑन करना है, फिर अपलोड फर्मवेयर में क्लिक करना है। और हाँ, पिकसॉक को प्रोग्राम करने से पहले पिकसॉक के साथ जो एक SD कार्ड आया था उसको पिकसॉक में ज़रूर लगा लेना। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा था इसलिए ये आ रहा है।
आपको सिर्फ इस पर ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। आपका पिक्सो कनेक्ट होने के बाद आपको मैंडेटरी हार्डवेयर में क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेम टाइप में क्लिक करना है और इसको प्लस वाले में क्लिक करके ये क्वाडकॉप्टर एक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेल कैलिब्रेशन में क्लिक करना है। एक्सेल कैलिब्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको ड्रोन में एकदम सीधा करना है, मतलब ड्रोन को एकदम लेवल में रखना है। लेवल में रखने के बाद इस पर एक बार क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज़ व्हीकल लेफ्ट, इसका मतलब हमें व्हीकल को लेफ्ट करके एक बार क्लिक करना है। इस बार हमें व्हीकल को लेफ्ट में रख के क्लिक करना है। तो आप वीडियो में देख सकते हो मैं ड्रोन को किस तरफ से रख रहा हूँ। इस प्रकार से रखने के बाद आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। इस बार नोज डाउन लिखा आ रहा है, इसका मतलब ड्रोन को हमें आगे की तरफ झुका के एक बार फिर से क्लिक करना है। देख सकते हो अब इस बार नोज अप लिखा आ रहा है, इसका मतलब ड्रोन को सामने की तरफ झुका के एक बार फिर से क्लिक करना होगा। देख सकते हो इस बार प्लीज़ व्हीकल बैक करके लिखा आ रहा है, इसका मतलब ड्रोन का हमें एकदम उल्टा करके एक बार फिर से क्लिक करना होगा। तो मैं ड्रोन को उल्टा कर दिया और मैं क्लिक कर दिया। देख सकते हो यहाँ पे कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपको भी इसी तरह कैलिब्रेशन करना है। कैलिब्रेट होने के बाद आपको ड्रोन को एक बार फिर से सीधा करना है। सीधा करने के बाद कैलिब्रेट लेवल पर क्लिक करना है। कैलिब्रेट होने के बाद आपको कंपास में आ जाना है। उसके बाद स्टार्ट बटन को एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पिक्सल से एक बीप साउंड आएगा। उसके बाद आपको ड्रोन को हर डायरेक्शन में मूव करवाना है। आप वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी सेम वैसे ही करना है। देख सकते हो हमारा कंपास कैलिब्रेशन हो गया है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यूएसबी केबल को डायरेक्ट एकदम निकाल देना है, मतलब पिक्सो को एकदम ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद फिर से यूएसबी को लगाना है। लगाने के बाद आपको फिर से कनेक्ट पे क्लिक करना है। देख सकते हो मैंने पिक्सो को फिर से बंद करके चालू कर दिया है। इसके बाद आपको आना है रेडियो कैलिब्रेशन में। उससे पहले हमें ट्रांसमीटर का PPM आउटपुट को ऑन करना है। सेटअप में आ जाना है। RX सेटअप में आने के बाद यहाँ पे PPM आउटपुट लिखा रहा है, PPM पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद यहाँ पे इसे ऑन करना है। मेरा ऑन है पहले से। यहाँ पे आपको ऑन करके कैंसिल बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो आपका PPM आउटपुट ऑन हो जाएगा। उसके बाद मिशन प्लानर में कैलिब्रेट रेडियो पे क्लिक करके आपको सारे स्टिक को एकदम ट्रांसमीटर का एक्सट्रीम मूव करना है, मतलब जितने भी बटन है उसको शुरू से लेकर एंड तक पूरा चैनल में मूव करवाना है। कैलिब्रेट होने के बाद डन पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से ओके आएगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका चैनल दिखा देगा। इसके बाद आना है ESC कैलिब्रेशन में। ESC में आपको कैलिब्रेट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ESC कैलिब्रेट करना आसान है, उसे एक एक करके भी मैनुअली कैलिब्रेशन करा जा सकता है, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद आना है फ्लाइट मोड में। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारे में डिफ़ॉल्ट स्टेबलाइज मोड सेट कर रखा है, तो मैं इसमें सेट कर रहा हूँ ऊपर में एल्टीट्यूड होल्ड। उसके बाद मैं लोइटर सेट कर रहा हूँ। उसके बाद 3 नंबर स्विच में RTL सेट कर रहा हूँ, ताकि कहीं भी अगर ड्रोन दूर चला जाए तो उसे RTL दे के वापस बुलाया जा सकता है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करके आपका ट्रांसमीटर सेव हो जाएगा इन मोड के थ्रू। उसके बाद आ जाना है फेल सेफ में। फेल सेफ में आने के बाद यहाँ पे रेडियो डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। आपको कितनी आपका रेडियो जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिक RTL ले लेगा, वो फंक्शन है इसका, तो इसको भी RTL पे सेट करके रखना है। तो बस इतना ही करना था। इतना सब करने के बाद आप अपना ड्रोन रेडी है फ्लाई करने के लिए। तो मिशन प्लानर को बंद करते हैं, प्लग को डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर इसमें बैटरी लगा के इसे फ्लाई करते हैं। ड्रोन में बैटरी लगाने के 5 सेकंड बाद आपको सेफ्टी स्विच को प्रेस करके रखना है। उसके बाद बीप साउंड आएगा। बीप साउंड आने के बाद आपको ड्रोन को आर्म करने की कोशिश करना है। आर्म करने के लिए आपको ट्रांसमीटर का थ्रॉटल स्टिक को अंदर की तरफ 5 सेकंड के लिए रखना है। उसके बाद बीप आवाज आएगा। उसके बाद मोटर रन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एल्टीट्यूड होल्ड में फ्लाई कर रहे हैं तो आपका 50% से ऊपर ले जाते ही फ्लाई करना शुरू हो जाएगा। मैंने इस ड्रोन में अपना मोबाइल लगा के इसे फ्लाई किया था, तो अब देख सकते हैं ये इसका फुटेज आ रहा है। इसमें कोई गिम्बल वगैरह कुछ भी मैंने लगाया नहीं है, बस
स्मार्टफोन को एक टेप के थ्रू चिपकाया था, तो बताना क्वालिटी कैसी आ रही है। चेक हो रहा है वो पता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी अच्छा आ रहा है। यह है इसका कैमरे का ओरिजिनल क्वालिटी, इसमें मैंने थोड़ी सी भी एडिटिंग नहीं की है, ये एकदम रॉ वीडियो है। तो आप देख सकते हैं इसे ये कैसा लग रहा है, इसे एडिट करके इसका शेक को कम किया जा सकता है, जो कि मैंने पहले किया है, स्टार्टिंग में आपको दिखाया है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये ऊपर का व्यू। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये दो वीडियो ही लिया है, मैंने बहुत सारे वीडियोस लिया था, लेकिन वो सारे शाम के टाइम पे लिया था, इसलिए उसका कलर थोड़ा फेड आ रहा था। आप देख सकते हैं ये ऐसा कलर आ रहा था। वो जो मैंने दो वीडियो दिखाया था वो दोपहर के टाइम पे मैंने शूट किया था, तो उसके लिए उसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है और उसी को मैंने अपलोड कर दिया था। ये भी मैंने शूट किया था लेकिन इसको मैंने कहीं अपलोड नहीं किया, तो आप देख सकते हैं इसकी भी क्वालिटी बुरी नहीं है, अच्छी है। कमेंट में बता सकते कैसी है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, तो आप कमेंट में प्लीज़ बताना ज़रूर कि आपको मेरा ये ड्रोन कैसा लगा, और आपको वीडियो फुटेज भी कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं। तब तक लिए बाय बाय।